भारतीय मजदूर संघ द्वारा गुरुवार को बिल्लाग्राम कार्यालय पर भगवान विश्वकर्मा जयंती उत्सव राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया। मुख्य अतिथि असंगठित कामगार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत रहे। कार्यक्रम में लॉकडाउन से श्रमिकों को हुई समस्या व ग्रेसिम उद्योग में ठेका श्रमिकों को कार्य पर नहीं बुलाने के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर ज्योत सिंह राठौड़, दशरथ सिंह तंवर, सत्यनारायण शर्मा, राजेंद्र पेंडसे, राजकुमार सिसोदिया, कैलाश मरमट, अशोक गुजर, मोहब्बत सिंह राठौड़, भूपेंद्र वर्मा, राजेश पाल, रामेश्वर आर्य आदि मौजूद थे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ द्वारा संपूर्ण देश में बहुत उत्साह उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समय आज हम कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसे कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। हमारे बीच में आज उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि पूर्व मध्य प्रदेश कामगार बोर्ड के अध्यक्ष माननीय सुल्तान सिंह शेखावत साहब, माननीय ज्योति सिंह जी राठौर साहब, दशरथ सिंह तंवर साहब, राजन पेंसे जी। गोविंद सिंह जी से दरबार आपकी से निवेदन करूंगा कि वो भी कैलाश जी मरमट का स्वागत। रामेश्वर, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय सम्मानीय गोविंद सिंह जी राठौर साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, मेरे साथी दशरथ सिंह जी तंवर साहब, बिजली महासंघ के महामंत्री सम्मानीय राजेंद्र जी भेंडसे साहब, कुमार सिसोदिया जी और प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी को मालूम है कि हमेशा भारतीय मजदूर संघ 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती श्रम दिवस के समारोह के रूप में मनाता है। और आप ये भी जानते होंगे कि हमेशा बड़े रूप में अपन कार्यक्रम करते हैं, कभी रैली निकालते हैं, कभी कल्याण मंडप में कार्यक्रम करते हैं, परंतु इस बार कोविड-19 महामारी के चलते हुए अपने को प्रमुख कार्यकर्ताओं के रूप में ही ये समारोह करना पड़ रहा है। चिंतन मनन के बाद कोई भी निर्णय लिया जाता है। विश्वकर्मा जयंती को श्रम दिवस के रूप में स्वीकार करने से पूर्व गहन चर्चा, मनन और विश्लेषण किया गया था। उसके पूर्व 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम दिवस मनाया जाता था, किंतु हमारा श्रम दिवस जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, भारतीय विचारों से प्रेरित हो, ऐसा श्रम दिवस होना चाहिए, ये मान्यता भारतीय मजदूर संघ की थी। इसी से प्रेरणा लेकर भगवान विश्वकर्मा जो भारतीय संस्कृति में निर्माण के पुरोधा माने गए हैं, हमारे यहाँ निर्माण संस्कृति में कई ऐसे नेतृत्व रहे हैं जिनके संरक्षण में, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय संस्कृति में निर्माण का कार्य हुआ है। प्रमुख रूप से मय संस्कृति, विश्वकर्मा संस्कृति, वो एक अलग विषय है, किंतु संक्षिप्त में इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि भारतीय मजदूर संघ ने विश्वकर्मा संस्कृति को चुना। जयंती समारोह के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम करता हूँ। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक हृदय दंतोपन जी को प्रणाम करता हूँ। और आज के इस समारोह में हम सब के वरिष्ठ मार्गदर्शक माननीय श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, दशरथ सिंह जी तंवर साहब, राजेंद्र पेंडसे जी, कैलाश सिंह जी मरमट जी, सत्यनारायण शर्मा जी, मधु नायर जी, राजकुमार जी और समस्त कार्यकर्ता आज की उपस्थिति में जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको ही कहा गया था कि आप सभी लोग पधारें, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग का प्रतिबंध होने के कारण बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता बंधुओं को ये कहा था कि आप लोग अपने अपने स्थान पर ही
भगवान विश्वकर्मा जी को प्रणाम करें, इसलिए आज प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको नमस्कार करते हुए भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर आप सबको शुभकामना देता हूँ। और आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि भगवान विश्वकर्मा इस संसार के नियंता हैं, इस संसार के निर्माणकर्ता हैं, और भगवान विश्वकर्मा के कारण ही इस पूरी सृष्टि का जो चक्का घूमता है, कारखानों का, कल कारखानों का और तमाम तरह का जो निर्माण होता है, उसके प्रणेता वो हैं। और आज पूरे देश के अंदर और विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति फैली हुई है, सभी दूर भगवान विश्वकर्मा का जन्म तोपन जी को प्रणाम करता हूँ। और आज के इस समारोह में हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक माननीय श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, दशरथ सिंह जी कंवर साहब, राजेंद्र पेंडसे जी, कैलाश चंद जी मरमट जी, सत्यनारायण शर्मा जी, मधु नायर जी, राजकुमार जी और समस्त कार्यकर्ता, आज की उपस्थिति में जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको ही कहा गया था कि आप सभी लोग पधारें, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग का प्रतिबंध होने के कारण बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता बंधुओं को ये कहा था कि आप लोग अपने अपने स्थान पर ही भगवान विश्वकर्मा जी को प्रणाम करें, इसलिए आज प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको नमस्कार करते हुए भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर आप सबको शुभकामना देता हूँ। और आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भगवान विश्वकर्मा इस संसार के नियंता हैं, इस संसार के निर्माणकर्ता हैं, और भगवान विश्वकर्मा के कारण ही इस पूरी सृष्टि का जो चक्का घूमता है, कारखानों का, कल कारखानों का और तमाम तरह का जो निर्माण होता है, उसके प्रणेता वो हैं। और आज पूरे देश के अंदर और विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति फैली हुई है, सभी दूर भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिवस बड़े समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। साथियों, स्थानीय स्तर पर अभी बहुत सारी समस्याएँ हमारे साथियों ने बताई, लेंसेक्स उद्योग की समस्या आपके सामने बताई, उसका निराकरण हुआ है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि केमिकल डिवीजन का भी समस्या का निराकरण लगभग होने जैसी स्थिति में आ गया है। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज का ठेका श्रमिकों और परमानेंट श्रमिकों की कुछ समस्याएं हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय मजदूर संघ के द्वारा लगातार मैनेजमेंट से इस विषय में चर्चाएँ की जा रही है। हमारा लगातार प्रयास है कि कैसे भी करके हमारे सभी श्रमिक बंधु जो 21 और 22 तारीख को ड्यूटी पर थे, उन सबको काम पर लिया जाए। तो साथियों, मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि इस विश्वकर्मा पे ये संदेश जाना चाहिए कि मजदूरों की समस्याओं के लिए ये मजदूरों पहले भी लड़ा है, आगे भी लड़ेगा और हमेशा लड़ता रहा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। सृष्टि के निर्माता, शिल्पी, इंजीनियर, प्रथम कारीगर भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम। लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई, इसने कल्पना भी नहीं करी होगी कि इस प्रकार की स्थिति पूरे विश्व में और हमारे देश में भी होगी क्या, और उससे हमारा देश लड़ा, हम सब मिलकर के लड़े और आज भी लड़ रहे हैं। इस तमाम परिस्थितियों के बाद जो एक जिम्मेदार संगठन का जो कर्तव्य होता है, हमारे संगठन का निर्माण किन विषयों को लेकर के हुआ, राष्ट्र सबसे पहले है, नेशन फर्स्ट, इंडस्ट्री सेकंड, वर्कर थर्ड। हम इस जो हमारा मूल सिद्धांत है, इस मूल सिद्धांत को लेकर राष्ट्र पे आपदा थी, राष्ट्र पे संकट था, तो लॉकडाउन देश में लागू हुआ, उसका सभी ने समर्थन किया। उसके बाद देश का आर्थिक तंत्र जब गड़बड़ाने लगा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से एक बड़ा कदम लिया कि भाई इस परिस्थिति में भी हमको लॉकडाउन को समाप्त करना पड़ेगा और किसी न किसी रूप में चलना पड़ेगा, अर्थात आर्थिक पक्ष भी धीरे धीरे चालू हुआ। आप अंदाज लगा सकते हैं, आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा, लॉकडाउन के पीरियड में नागदा में कोई कितनी बड़ी बड़ी बात करे,
भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ ने जितना लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को सहयोग किया है उतना किसी भी संस्था ने किसी संगठन ने नहीं किया है। हम प्रमाण के साथ कह सकते हैं प्रवासी कम से कम 5,000 लोगों को हमने भोजन की व्यवस्थाएं कराई, समय समय पर भेजने की व्यवस्थाएं भी कराई। इसके साथ साथ नागदा का ऐसा एक भी वार्ड नहीं होगा कि जिस वार्ड में हमने राशन के एक एक महीने के पैकेट पूरा किट नहीं दिया हो, पूरा किट एक एक महीने का दिया जिसमें पूरा सामान 1200 1250 रुपये का एक किट था। जिस वार्ड में जैसी आवश्यकता हमने बिना किसी चश्मे के बिना किसी देखे कौन मजदूर है कौन किसका है कौन नहीं है जिसको ज़रूरत थी वो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो शासन ने जिसको डिसाइड किया यहाँ के CMO ने तहसीलदार ने नगरपालिका ने जिसको डिसाइड किया कि इस वार्ड में ये 20 परिवार ऐसे हैं जिनको राशन की ज़रूरत है सर्वे भी उनने कराया उन सबको हमने राशन के किट की व्यवस्था की। इसलिए सेवा संगठन का काम ऐसे समय में सेवा करना होता है। जब भूकंप आता है तब संघ और संघ से संबंधित संगठन आगे बढ़ कर के सेवा करते हैं। देश पे संकट आता है तब और ये बात सरकार के ध्यान में है, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के ध्यान में भी है। वो लगातार इन पर अंकुश लगाने का धीरे धीरे प्रयास भी कर रही है। ये इस अवसर का पूरा फायदा उठाने का प्रयास उद्योगपतियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। ये खाली मैं नागदा की बात नहीं कर रहा, मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात कर रहा, संपूर्ण देश की बात कर रहा। मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक क्षेत्र है नागदा है, पीथमपुर है, मंडीदीप है, देवास है, उज्जैन, रतलाम, नीमच, ये अपना खरगोन, बड़वानी, मनावर, इन सब क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्थिति निर्मित हुई थी। निर्मित होने के बाद धीरे धीरे आउटसोर्स और ठेका के जो मजदूर हैं उनके ऊपर गाज गिरने लगी और जितने कम कर सकते हैं उतना कम करने का प्रयास सब कर रहे हैं। लगातार प्रयास उनका आज भी जारी है। हमने काफ़ी ताकत के साथ में यहाँ पर भी लड़ाई लड़ी। पिछले महीने की 25 तारीख को यहाँ के जो सांसद जी हैं अनिल फिरोजिया जी के साथ में कलेक्टर के साथ बैठ करके अन्य जोशी जी भी साथ में थे, मैनेजमेंट भी था, बैठ करके चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद मैनेजमेंट ने ये कहा कि हमको एक महीने का समय दीजिए, एक माह के अंदर हम सारी स्थिति नॉर्मल कर देंगे और जैसा था वैसा हम उसको चालू कर देंगे। एक महीना 25 तारीख को हो रहा है, 25 तारीख को ज़्यादा दूर नहीं है, 25 तारीख को उनका एक महीना भी पूरा हो जाएगा। कलेक्टर ने उसी दिन ये कहा था कि हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, आप पूरा कारखाना 100% चला सकते हो। कारखाना चलाने में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, जो नियम है उनका पालन करते हुए आप चला सकते हो, किंतु मार्केट की समस्या या और अदर इंडस्ट्रियों की समस्या, ये समस्या का समाधान ढूंढने का काम, समस्या का समाधान खोजने का काम सरकार का और मालिकों का है। ये मजदूरों का काम नहीं है कि मार्केट में माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मार्केट में माल मजदूर बेचने थोड़ी जाता है, मजदूरों का काम है उत्पादन बनाना, उत्पादन निकालना, बेचने के लिए और उसको आदान प्रदान करने के लिए जो एजेंसियाँ हैं, जो संस्थाएँ हैं, उनका काम है। वो लोग इस काम को करते हैं, उनको निश्चित रूप से इसको करना चाहिए। रहा सवाल नागदा का, नागदा के अंदर जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं उस पर लगातार सारी इंडस्ट्रियों में हम प्रयास कर रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले मध्य प्रदेश के लेबर कमिश्नर के साथ मेरी लगभग 1 घंटा मीटिंग हुई, सभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी थे। पूरे प्रदेश का हमने उनको को लिख करके दिया कि पूरे प्रदेश में इन इन स्थानों पर ये स्थिति निर्मित हो रही है। उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रशासन के लोगों से बात की, उज्जैन के सहायक संरक्षक से बात की, यही उन्होंने भी कहा और सहायक संरक्षक ने यहाँ आकर के एक दो मीटिंगें भी करने की कोशिश की, मगर उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। मैं विशेषकर ठेका श्रमिकों को बताना चाहता हूँ कि ठेका श्रमिक अपना धैर्य नहीं खोए। ठेका श्रमिक आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, अगर ऐसा करेंगे जो वर्ष